उपस्थित सगळ्यांचं ऊर्जा संवाद ध्येय वेड्यांशी या उपक्रमाच्या 5व्या वर्षाच्या आजच्या दुसऱ्या दिवसाच्या सत्रामध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो. आणि आज आपल्याला जे गेस्ट लाभलेले आहेत, जे संवादक आहेत, जे आपल्याशी बोलणार आहेत, त्यांचा अनुभव शेअर करणार आहेत, फर्स्ट IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया जिन्होंने एव्हरेस्ट की मोहीम फतेह की, IPS सुहेल शर्मा. मी सकाळचे उपसरव्यवस्थापक रवींद्रजी रायकर यांना विनंती करतो, आपण मान्यवरांना घेऊन स्टेजवरती यावं. शिवाजी विद्यापीठाचे प्र कुलगुरू डॉक्टर DT शिर्के, त्याचप्रमाणे कुलसचिव डॉक्टर विलास नांदवडेकर सर, आणि आमच्या पाठीशी कायमच असणारे तनिष्क ज्वेलर्सचे प्रसादजी कामत, या सर्व मान्यवरांना आमंत्रित करतो. मी प्र कुलगुरू आदरणीय डॉक्टर DT शिर्के सरांना विनंती करतो, आपण सांगलीचे SP असणारे IPS ऑफिसर आजचे पाहुणे सुहेल शर्माजी यांना सन्मानित करावं. सर्व मान्यवरांचे मनपूर्वक आभार. कालच्या सत्रामध्ये आपण प्रसिद्ध अभिनेता, दिग्दर्शक, सूत्रसंचालक सुबोध भावेशी गप्पा मारल्या, आणि सुबोधने असं सांगितलं होतं की कायम आपण काम करत राहणं, कष्ट करत राहणं जे आपलं प्रोफेशन आहे त्याच्यावरती निष्ठा ठेवून काम करत राहायला पाहिजे. मी तर परमेश्वराला सांगतो की प्रयत्न कायम करायला पाहिजे. त्यांनी सांगितलं होतं की कलाकाराचं आयुष्य या दोन क्षणांमध्ये आहे, नटाचं क्लिक आणि कट याच्यामध्ये, आणि त्या मधल्या काळामध्ये त्यांनी प्रयत्न करायला पाहिजेत. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की अनेक हिंदी चित्रपटांमध्ये वेगवेगळे डायलॉग्स आहेत. जसं अमिताभ बच्चनच्या चित्रपटामध्ये खुदा गावामध्ये डायलॉग होता की खुदा बख्शे ज्यादा सोच मत, सोचने से सोच गहरी हो जाती है और इरादे कमजोर हो जाते. तर कोशिश करायला पाहिजे. याच्यावरती फार सुंदर चार ओळी आहेत कवी द्विवेदींच्या, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है. जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है. मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो. काय सुंदर लाइन्स आहेत बघा. असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती. आणि अशी कोशिश आयुष्यभर करणारा एक यंग स्मार्ट ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र IPS आपल्या बरोबर आहे. आपण खरंच जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करू. कारण काय तुम्हाला खरं सांगू का, आम्ही निवेदन करत असताना बऱ्याच वेळेला कार्यक्रमाचा डोल सांभाळण्यासाठी काही कलाकारांसाठी उगाचच टाळ्या वाजवा असं सांगावं लागतं. पण आमच्याही आयुष्यामध्ये फार कमी क्षण असे असतात की ज्या वेळेला खरंच आम्हाला मनापासून वाटत असतं की या माणसाचं जोरदार टाळ्यांनी स्वागत व्हावं. अशा मोजक्या व्यक्तींपैकी एक आहेत सुहेल शर्मा साहेब. शर्मा सर, बहुत बहुत स्वागत आपका. धन्यवाद कुलकर्णी साहेब. नमस्ते. नमस्कार सर. सकाळ ऊर्जा के इस परिसंवाद में आपका तहे दिल से स्वागत है. धन्यवाद. और
थोडा हिंदी में थोडा मराठी में बात करते क्योंकि मराठी चालेल काय वा वा क्या बात है। तर सर हमें एक उत्सुकता है, वी ऑल आर क्यूरियस अबाउट यूर फैमिली बैकग्राउंड कि आपका अपब्रिंगिंग कहाँ हुआ, आप बेसिकली नेटिव कहाँ से है और आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, पढ़ाई आपने की वो कौन कौन से शहरों में की और कौन सी डिग्री आपने पाई। सबसे पहले आज मुझे ऊर्जा के इस उपक्रम में इनवाइट करने के लिए मेरे मित्र और मेरे मार्गदर्शक शेखर जोशी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, सकाल ग्रुप का मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर आप सब लोग आए हैं, आप सब लोग यहाँ जिस विषय पे हम बात करेंगे उसको सुनने आए हैं, उसके लिए मैं आप सबको मेरी तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक मेरे बैकग्राउंड की बात है, माझा जे मूल गाँव आहे ते अमृतसर आहे पंजाब मध्ये, अमृतसर जिसे अपन सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल म्हणतात, आपल्या जे स्वर्ण मंदिर आहेत ते अमृतसरला आहेत आणि ते माझ्या घर आहेत। माझी जे मूल शिक्षण आहे ते अमृतसरमध्ये आणि चंडीगडमध्ये झालेलं आहे मूल शिक्षण। त्याच्यानंतर मी शिमलाला हायर स्टडीज उच्च शिक्षण घेतलेला होता शिमला हिमाचल प्रदेशला, आणि त्याच्यानंतर मी बॅचलर्स ऑफ टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशनमध्ये केलेली होती। आय एम एन इंजिनियर, मी एक इंजिनियर आहेत आणि इंजिनिअरिंग केल्यानंतर मी माझी कॅम्पस प्लेसमेंट झाली होती महिंद्रामध्ये आणि त्याच्यानंतर माझी पोस्टिंग पुणेला आली आणि मी 2008 अंतमध्ये आणि 9 पुणेला आलो। आल्यानंतर मी 2.5 वर्ष इथे काम केलं आणि त्याच्यानंतर मी आपली जे नोकरी होती ते सोडली आणि 2010 आणि 2011 UPSC तयारी केली आणि 2011 माझ्या भारतामध्ये 172 रँक आला। ओ हो, सर इच बीच एक क्युरियोसिटी है, एक उत्सुकता अशी आहे, महिंद्रामध्ये तुम्ही कॉर्पोरेट जॉब करत होतात, यू आर बीटेक ENTC इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन, अच्छा खासा पॅकेज था, तो ये UPSC करने का ये इंस्पिरेशन कहाँ से है आपको? माझा एक मूलतः सिद्धांत आहे की आपण हे जे स्वप्न आहेत स्वप्न पाहणं खूप इम्पॉर्टंट आहेत आपल्या आयुष्यामध्ये। तुम्ही ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष पण करणार होता पण हे पाहणं खूप खूप गरजेचं आहेत। UPSC मेरे लिए कोई ऐसा नहीं था कि मैंने बचपन से सोचा था कि मुझे UPSC करना है। मेरा बस एक विश्वास था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो सबसे मुश्किल है, तो मुझे फिर लगा यह UPSC ही है जो सबसे मुश्किल है, तो चलो ये कर लेते हैं। ओह वाह। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि UPSC करने के बाद हमारा जो UPSC का फॉर्म होता है त्यामध्ये कार्डर्स प्रेफरन्स असतात, म्हणजे तुम्ही कुठे जायच्याचे इच्छुक आहेत। आपल्या भारतामध्ये 24 कार्डर आहेत ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्र एक आहेत, पंजाब आहेत, दिल्ली आहेत, राजस्थान आहेत, हरियाणा आहेत, आणि ह्या जे मी फील करत होतो आणि मी नंबर 1 महाराष्ट्राला चॉईस दिली होती। वा। आणि त्याच्यानंतर मी गॉड ग्रेसला गॉड मी महाराष्ट्रामध्ये पहिला आला होतो आणि महाराष्ट्र कार्डर जॉईन केला आणि ह्याबद्दल मला
कधी ना माहिती होती पण आज मी सांगू शकतो की मला अभिमान आहे की मी महाराष्ट्र काढला आहे. वा वा वा. सर तुम्ही पंजाबचे आणि आय पी एस झाल्यानंतर आत्ता तुम्ही सांगितलं जसं की तुम्ही तुमच्या चॉईसप्रमाणे कुठलंही स्टेट तुम्हाला मिळालं असतं पण तुम्ही स्वतःच्या घरापासनं 2000 किलोमीटर लांब महाराष्ट्र का निवडलं? हे ज्यावेळी मी फॉर्म भरत होतो मला स्वतःना माहिती होती पण मुझे ऐसा लगता है की जिंदगी में ये बहुत जरूरी है कि हम अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आए. वाह वाह वाह. जिंदगी में ये बहुत जरूरी है. पूरी उम्र अपना जिंदगी के पहले 20-25 साल पंजाब में रहे, वहाँ पढ़ाई की, वहाँ के कल्चर को समझे, वहाँ की भाषा को समझे, वहाँ के लोगों को समझे. बहुत अपना देश बहुत बड़ा है और बहुत ज़रूरी है कि कहीं दूसरी जगह जाए, वहाँ उनकी भाषा समझी जाए, वहाँ लोगों के साथ मिला जाए ताकि अपने भारत वर्ष को और अच्छे से जाना जाए. और शायद मुझे लगता है कि इससे बड़ा मेरे लिए कोई कारण नहीं था. वाह वाह. सोहेल शर्मा महाराष्ट्रामध्ये येऊन किती मराठी झालेत आपल्याला कळतंय. तो अभी मक्के की रोटी और सरसों का साग छोड़ के पोळी और भाजी खाना शुरू किया सर आपने. मी तुम्हाला सांगतो मी मराठीमध्ये मी सगळे कोल्हापूरचे लोक आहेत. मी सांगू शकतो की 20 जून 2016 मी कोल्हापूर जॉईन केला आणि 1.5 वर्ष मी इथे ॲडिशनल SP होतो. त्याच्यानंतर मी SP सांगली जॉईन झालो आणि अमृतसरच्या नंतर जे काही माझ्या मूळ गाव आहेत ते हे कोल्हापूर आहेत आणि कोई त्याच्या इलावा काही होऊ शकत नाहीत. वा. इससे बेहतर शहर मैंने देखा नहीं है, इससे बेहतर लोग मैंने देखे नहीं हैं और मुझे मालूम है कि आज से 30 साल बाद रिटायर होने के बाद मैं शायद यहीं पर आ जाऊं. वाह वाह वाह. और आपने मराठी की बात की तो देखिए कोई भी नई भाषा एक संघर्ष होता है. आज मैं आपको बोलूं कि पंजाबी में बात करो तो मुश्किल होगी. सही है. बट मराठी सीखते सीखते कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं मैं आपको बताता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं. जरूर सर जरूर. तो मैं बुल्ढाना में पोस्टेड था, मेहकर तालुका में. तो मेरे पास एक NGO जो चंद्रपुर में, जब मैं पोस्टेड था चंद्रपुर नक्सल भाग में, तो वो मेरे से मिलने आए थे. तो उसके बाद उनको पता लगा कि मैं बुल्ढाना में, तो मुझसे मिलने आए वो. तो तब मैं नई नई मराठी सीख रहा था. तो वो आए तो 4-5 लोग थे. तो मुझको उनको बोलना था कि मी तुम्हाला आठवतो. मैंने उनको बोलता कि मी तुम्हाला आवडतो आणि त्याच्यानंतर कधी मला भेटे नाही. आणि हे जे लँग्वेजची जे विषय आहेत, आपण टाइम इतका वर्ष महाराष्ट्रामध्ये आपण पोस्टेड राहणार आणि त्यामध्ये लँग्वेज ते एव्हरी डे तुम्ही नए वोकॅबलरीमध्ये नए वर्ड्स ॲड होणार, तुम्ही चांगली तुमची मराठी चांगली होणार आणि त्याच्यामध्ये वेल पण लागणार. खरं खरं. पण तरीसुद्धा ही भाषा ऐकून ऐकून कुठली भाषा असेल कानावर पडून शिकता येते. पण मला असं वाटतं की मी मराठी किंवा आपण सगळे मराठी आहोत बहुतांश इथे लोक म्हणून म्हणत नाही आहे. पण खरंच आपली मराठी भाषा तशा अर्थाने व्याकरणामध्ये म्हणजे ऱ्हस्व दीर्घ आकार उकार जे सगळे असतील, पण बोलीभाषा म्हणून कुठल्याही परप्रांतीय माणसाला शिकायला खूप सोपी आहे इतर भाषांच्या तुलनेमध्ये. त्यामुळेच सोहेलजी आठवतात आणि आवडतात याच्यातला फरक 3-4 वर्षामध्ये जाणू शकतात, इतकं सुंदर बोलू शकतात. सर आपकी पोस्टिंग नक्षल एरिया में हुई थी, तो आम आदमी को बहुत क्युरियोसिटी रहती, आम्हाला खूप उत्सुकता असते की नक्षलाइट म्हटल्यानंतर असं काय अनुभव तिथले आहेत. एखादा तुमचा लॉंग रेंज पेट्रोलिंगचा अनुभव असेल किंवा बाकी अनुभव असेल तर कॅन यू प्लीज शेअर विथ मी. मी सांगितलं आहे की माझ्या उच्च शिक्षण शिमलाच्या नंतर मी पुणेला आलो, त्याच्यानंतर दिल्लीला 2 वर्ष मी शिक्षण घेतला UPSC साठी, त्याच्यानंतर महाराष्ट्र जॉईन केला. महाराष्ट्र जॉईन केल्यानंतर मी पहिली पोस्टिंग माझी चंद्रपूरला होती आणि चंद्रपूर
पहिला आहेत की पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकांसाठी हे चंद्रपूर म्हणजे कुठे आहे ते पण माहिती नाहीत. मी तुम्हाला सांगू शकतो की तुम्हाला हे माहिती नाहीत की चंद्रपूर कुठे आहेत, गडचिरोली कुठे आहेत. कारण हे आहेत की लांब आहेत पण हे आपल्या मेमरीमध्ये पण नाहीत. हे आपल्या महाराष्ट्राचे आपले वेस्ट ईस्टर्न महाराष्ट्राचा एक जिल्हा आहेत आणि त्यामध्ये आपण जे नक्सल भागामध्ये तमिळ आपल्या आंध्राचा बॉर्डर होता आणि गडचिरोलीचा बॉर्डर होता. त्यामध्ये एक इन्सिडेंट आहे ते खूप इंटरेस्टिंग आहेत. तिथे आपण C-60 कमांडोज आहेत. C-60 कमांडोज जे नक्सल विरोधी पथक आहेत आपल्या महाराष्ट्र पोलीसच्या, त्यासोबत मी लाँग रेंज पेट्रोलिंगसाठी गेलो होतो आणि 4-5 दिवस जंगलामध्ये होतो आणि आपल्याकडे एकदम मिनिमम बेसिक्स आणि बॉड AK-47 बुलेट्स, छोटा बॅग आणि लाईक आपण जंगलमध्ये फिरत होतो. आणि एक काय झालं की आपण हे आंध्राचा बॉर्डर क्रॉस केला आणि आपल्याकडे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, सॅटेलाईट फोन असतात, आपल्याकडे GPS असतात, माहिती आहेत की आपण आंध्रा क्रॉस केला आहेत. आणि एक छोटा गाव आला आणि आल्यानंतर गावचे काही लोक हे घाबरून गेले की कोण आहेत हे 30-35 लोक आहेत. संध्याकाळी जो मतलब हे डस्कचा टाईम होता, हे टाईम होता आणि 10 मिनिटानंतर त्या काही लोकांनी आंध्रा पोलिसला सांगितलं की नक्सल आले. आणि हे मला माहिती पडली की हे नक्सल आले म्हणजे आंध्रा पोलीस इथे येऊ शकते आणि आपण नक्सल नाहीत, आपण महाराष्ट्र पोलीस आहेत आणि इथे काही वेगळा प्रकार होऊ नये. त्याबद्दल आपण सगळे लोक गावातून पळून गेले परत आणि त्याच्यानंतर कॉल केला की आपण महाराष्ट्र पोलीस आहेत, तुम्ही इथे काही प्रॉब्लेम नाही. ते काही कम्युनिकेशन गॅप झाला होता पूर्वी पण ते इंटरेस्टिंग होता. हे अर्धा तास तो आपण म्हणत होते की हे इट्स व्हेरी डिफिकल्ट म्हणजे जंगल वॉरफेअर मे आयडेंटिफिकेशन इज अ प्रॉब्लम. आपको ये नहीं पता लगता है कि सामने वाला कहां पर है, कौन है, क्योंकि आप बात नहीं कर सकते. बराबर. तो वो एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था जो हम आधा घंटा भागे वहां से और फिर फोन किया कि भाई वी आर महाराष्ट्र पोलीस. ओके सर, म्हणजे अशी पण पोलिसांना वेळ येते की आम्ही नक्षलाईट नाही आहोत हे सिद्ध करावं लागतं. जे लॉंग रेंज पेट्रोलिंगला गेलेले पोलीस असतात. मला आणखीन एक इन्सिडन्स सर तुम्हाला विचारायचं आहे की तुम्ही बुलढाण्याला जेव्हा होतात आणि एक खूप मोठी चोरी झाली होती, एक ATM फोडलं होतं, 32 लाख रुपयाची रोकड, तर 24 तासाच्या आतमध्ये तुम्ही ते मिळवलं, तो एक इन्सिडन्स आम्हाला जरा शेअर करा प्लीज ऑडियन्स करता. ॲक्च्युली जे पोलीसची जे हे जे लाईफ आहेत, पोलीसचं जे काम आहेत, ते मी तुम्हाला सांगू शकतो की लोकांकडे येत नाहीत कम्प्लीट. याच्या जे कम्प्लीट ट्रान्स आहेत की आपण फक्त म्हणतात की हे पोलीस चलान हे ट्रॅफिक व्हायोलेशनच्या रजिस्टर करत आहेत, माझ्याकडून पावती घेत आहेत, हे घेत आहेत, हे बट दिस इज नॉट जस्ट अबाउट पोलिसिंग. मी तुम्हाला सांगतो 24 डिसेंबर 2014 रात दोपहर में 1-1.30 बजे एक ATM वैन के ऊपर 4-5 लोगों ने हमला किया और उसमें से 32 लाख रुपए लेके निकले. 6 लोग थे एक बोलेरो में और उन लोगों के पास वेपन थे, उन्होंने फायरिंग किया और वो निकले. हमें नहीं मालूम था किस तरफ जा रहे हैं. तो मैं अपने ऑफिस से निकला और निकलते हुए आई ट्राइड टू फॉलो देम. त्याच्या पाठलाग केला आणि काही कळत नव्हता की कुठे आहेत ते लोक. आणि अर्धा तास नंतर आपल्याकडे माहिती मिळाली की हे लोक जालनाच्या रूटवर आहेत, जालनाच्या रूटवर जात आहेत. आणि मी आणि माझ्या जे ऑपरेटर होता आणि माझ्या ड्रायव्हर आपण पण जालनाच्या रूटला गेलो. तिथे एक गावाकडे एक मोठी बलेरो होती. तो मैंने उन गाववालों से पूछा की ये बलेरो, तो बोले की कुछ 6 लोग थे, उनके हाथ में कुछ बैग था और उन्होंने गोली चलाई है यहाँ पर. तो हमें लगा कि यही लोग होंगे. उसके बाद देखा तो वो लोग एक नदी क्रॉस कर गए थे. तो आई डोंट नो कि आई शुड रिकमेंड इट और नॉट, बट उस टाइम पे जो हुआ तो उस पर मैंने नदी क्रॉस की, हमारे दो स्टाफ ने नदी क्रॉस की और हम लोग दौड़ने लग गए. दौड़ने में, रनिंग में
आय एम बेटर दॅन मोस्ट ऑफ द पीपल. मी आपल्या आयुष्यामध्ये इतकी मॅरेथॉन्स केलेली आहेत की मला खुद मला स्वतःला हे नंबर्स येत नाहीत. मी किती 42 किलोमीटर्स आणि 21 किलोमीटर केलेली आहेत हे मी 16 वर्षांची वयातून करत आहेत. आणि त्यामुळे माझी स्टॅमिना माझ्या खूप चांगला आहेत. मेरे जो बॉडीगार्ड्स वो पीछे रह गए और मैं दौड़ के आगे निकल गया. तो आप देखिए कई बार फिटनेस से प्रॉब्लम होती है. तो उसके बाद एक पहाड़ की टेकरी पे 3-4 घंटे दौड़ने के बाद मैंने सिविल्स पहने हुए थे जैसे कि आज शर्ट पैंट. तो मुझे 5-6 लोग दिखे. तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने गोली चला दी. उन्होंने 2-3 गोली चलाई. तो मेरे पास पिस्टल थी बिकॉज मुझे मालूम था कि मैं अपने बॉडीगार्ड से फास्ट हूँ. तो मैंने उससे उसकी पिस्टल ले ली थी. तो मैंने भी जब गोली चलाई तो जो मैं इसे कॉमेडी बोलूँगा कि जब मैंने गोली चलाई तो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम दे रियलाइज कि आई एम पुलिस. उनको पहले लगा कि कोई गाँव का ही आदमी है बिकॉज मैंने सिविल पहने थे. और उसके बाद वो भागे और उनमें से जो सबसे मोटा आदमी था क्योंकि उनको भागना पड़ा उसके बाद, उसको मैंने 1 घंटे बाद पकड़ा और वो साइड पे बैठ के सांस ले रहा था, थक चुका था. और उसका नाम भी मुझे याद है, उसका नाम था लहू जादव. तो वो ही वॉज हैवी. तो वो जब उनको लगा कि पुलिस है तो वो भाग गए. और उनमें से जैसे बोलते हैं कि एक जो सबसे कमजोर कड़ी थी वो हमें मिल गई, जिसके कारण से मुझे तो कुछ हुआ नहीं ऑफकोर्स बिकॉज कुछ लगी नहीं गोली मुझे थैंकफुली. बट हम उन लोगों को पकड़ पाए और हमने 22 आवर्स में हमने 32 लाख रुपया वापस रिकवर किया था. वाह. त्या एका केसच्या बरोबर आणखीन गोष्ट आवर्जून सांगायला पाहिजे की त्या सगळ्या टोळक्यांनी अशा 5 घटना केल्या होत्या ना. हा, हे तुम्हाला मी सांगतो. जे लहू जाधवला हे मुझे बोलता उसके बाद कि साहेब आप लोग इतना पीछे मेरे दौड़े क्यों. कहते आज तक कोई मेरे पीछे आया नहीं था. ये मैं 5 बार ऐसा कर चुका हूँ और पहली बार किसी ने मुझे पकड़ा है. तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको कि मेरे लिए इट वॉज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन ऑल्सो बिकॉज आई वॉज फायर्ड अपॉन. बट उसको आप बहादुरी में ना देख के ये चीज़ में देखिए कि जो एक क्रिमिनल का जो माइंडसेट है, एक क्रिमिनल को जब आप पकड़ते हैं और वो आपको बोल और उसके बाद मुझे क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है कि आप बैंक वालों को समझाते क्यों नहीं है, प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं रखते वो लोग. नो दिस वाज टोल्ड टू मी बाय द एक्यूज्ड. वो बोलता है कि इनकी बंदूक चलती नहीं है ये बैंक. उसने फिर मुझे एक और इंसिडेंट बताया. कहता कि जालना में मैंने एक बार 10 लाख रुपए लूटा था किचन के नाइफ से, तो आप उनको समझाते क्यों नहीं है. तो उसकी इंटेरोगेशन पहले 2 घंटे तो आई वॉज लाफिंग. इट वॉज डेंजरस. ही वॉज अ डेंजरस मैन. बट यू नो आई एम, मैं जब यहाँ पर आपके पास आया हूँ तो मैं अपने बहादुरी का परिचय देने नहीं आया हूँ. मैं आपके पास अपने जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो बताने आया हूँ और अपने एक ऐसा नज़रिया जो आपको शायद नहीं देखा होगा वो बताने आया हूँ. वो 2 घंटे सिर्फ मुझे यही बताता रहा कि बैंक को सिक्योरिटी कैसे बेहतर करनी चाहिए. तो आप सोच लीजिए कि इस तरह के लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं और साथ में बैंक का सिक्योरिटी ऑडिट भी कर सकते हैं. वाह वाह. सर तुम्ही कारवाई साठी यू आर वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी ऑफिसर. तो हमने एक इंसिडेंस ऐसा भी सुना है कि आपको एक गुमनाम लेटर आया था और उस चोरी में कुछ पुलिस के कर्मचारी भी शामिल थे, तो वो लेटर के जरिए आपने उन पे भी कार्रवाई की थी, बड़ी सख्ती दिखाई थी. देखिए कुलकर्णी साहब, देखिए सिंपल प्रिंसिपल आहेत की तुम्ही आप कायद्याचे मोठा कोई नाहीत. आणि कायद्याच्या जे तुम्ही पलीकडे जाऊन काही चुकीचा केलेला आहेत ते वर्दीच्या आहेत, वर्दीच्या बाहेरूनच्या आहेत, हे मला काही फरक पडत नाही. वा
सर, हे तुमचं आय पी एसचं वेगवेगळ्या गावातलं पोस्टिंग सुरू होतं आणि मग हे एव्हरेस्ट शिखर, एव्हरेस्ट की मोहीम फतेह करणे की ये इच्छा कहाँ, कब शुरू हुई थी या पहले से ही उसकी तैयारी शुरू होती? मेरे ख्याल से मैं इसका जवाब आपको दे चुका हूँ। मैंने बोला कि मैं ढूंढता हूँ कि अब इससे मुश्किल क्या है, तो यूपीएससी हो गया, आईपीएस हो गया, तो अब मैंने लगा कि अब क्या करने का है। तो मैंने आपको बोला कि मैं शिमला में पढ़ा हूँ, तो पहाड़ों के, मेरा कॉलेज पहाड़ों से घिरा हुआ था, तो हम लोग ट्रैकिंग बहुत करते थे, हम लोग बहुत घूमने जाते थे। सैटरडे संडेज वी यूज टू स्पेंड इन जंगल्स। तो इतना ज़्यादा मुझे निसर्ग से प्रेम है। तो उसके बाद मैंने रॉक क्लाइंबिंग किया, मैंने स्नो क्राफ्ट किया, आइस क्राफ्ट किया, तो मुझे लगा कि अब क्या करना है। तो मुझे लगा कि माउंट एवरेस्ट इज द टफेस्ट, सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो यही चढ़ लेते हैं। तो फिर मैंने माउंट एवरेस्ट की तैयारी शुरू की। ओके सर, माउंट एवरेस्ट आपने चुना और ये आपने ठान ली थी कि जो सबसे ऊंची जगह है उसको फतेह की जाए, तो इतना आसान भी नहीं है कि आप जितने चार लाइन में बता रहे, तो उसकी तैयारी, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग वो आपने कहाँ से लिया, और एवरेस्ट के बारे में जो आपका एक्सपीरियंस है वो हमारे यंगस्टर के लिए, हमारे लिए शेयर कीजिए। एवरेस्टच्या बद्दल मी तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवू शकतो। जरूर, हे ऑडिओ व्हिज्युअल आहेत आणि त्या, हे जे ऑडिओ व्हिज्युअलच्या कारण तुम्हाला हे सगळं जे एव्हरेस्ट आणि माझ्या एव्हरेस्टचा एक्सपिरियन्स काय आहे ते तुम्हाला सगळं माहिती पडणार। आपण ऑडिओ व्हिज्युअल्स चालू करू शकतो ना? Looking eye to eye with fear yet again. I just want to tell you, I just had a 300 slide all over. It was a free fall. It was a free fall which happened. Again in the same loop, shopping, to stay alive. We're just making sure that we don't lose on all the 47 items we are looking for. Everest is a reality, it is because
because they are real. It's not because we can dream. Effort more. His seventh and last, the hero held the sign. And on the waist for beam hung fast, that slender silken line. Slight as it was, his spirit caught the more than amen for his thought. The lesson well could trace, which even he who runs may read, that perseverance gains its maid, and patience wins the race. Last night slept with oxygen on. Camp 1. At Camp 1, 7,100 meters. It was my first experience with this oxygen mask, so little uncomfortable, but Prabhu had a very, very good sleep. I had a sleep with the dreams also. Wow. Okay, because last time when we reached here, I was like gasping for oxygen. This time with supplement oxygen, it was completely fine. Now it's like 6 o'clock in the morning and having a black tea. Black tea and another sometime we will be leaving for 7,800 meters. We'll reach in 8
to 10 hours and that will be all using oxygen because it's all very low zero oxygen area or low oxygen area, whatever you can say. It will never be the claps on the hands, nor it will be the pats on the back. The journeys of life can only be measured with the bruises on your bodies and tears in your eyes. An embodiment of truth. It reveals oneself and liberates it. Let us not forget to find our Everest. मी सगळ्यांना विनंती करेन आपण उभं राहून जोरदार डाळांनी दाद देऊ. क्या बात है यार, अभिमान आहे अशा माणसाचा. कॉंग्रॅच्युलेशन. क्या बात आहे, काय जिगर आहे. हा हा हा, असलं भारी वाटतं ना अशा माणसाच्या शेजारी बसून. नाही का, म्हणजे आपण पण म्हणू शकतो की एव्हरेस्ट शिखर सर केलेल्या माणसाला आम्ही समोरनं बघितलंय, शेजारी बसलोय. म्हणजे सर समोर बसलेल्या अनेकांच्या करिअरमधलं इन्स्पिरेशनचं तुम्ही एव्हरेस्ट असणार आहात हे मला माहिती आहे. क्या बात आहे, फार सुंदर.
या व्हिडिओच्या मध्ये अनेक गोष्टी आहेत, ते बघत असताना काही प्रश्न आहेत की तुमच्या वडिलांच्या फोटोबरोबर तुम्ही क्लिक केलेला आहे. तर दोन अटेम्प्ट तुम्ही केले, सेकंड अटेम्प्टला तुम्ही एव्हरेस्टची मोहीम फते केली, त्याच्याबद्दल आम्हाला प्लीज सगळं डिटेलमध्ये सर सांगा. म्हणजे मध्ये काही प्रश्न नको. 2015-16 ॲव्हलांचबद्दल पण मध्ये सांगा. जब मैं माउंट एवरेस्ट की क्लाइम का सोचा था तो सबसे पहले ये बात मैंने अपने पिताजी से शेयर की थी. और जैसे कि मुझे उम्मीद थी, उन्होंने मुझे बोला था कि ये तुम ज़रूर कर लोगे. और उनको मालूम था कि इसमें कितने खतरे हैं, कितना डेंजरस है, क्या हो सकता है, बट मुझे कभी भी डिस्करेज नहीं किया. मैंने माउंट एवरेस्ट की तैयारी, मैंने जैसे बताया, मैंने ट्रैकिंग बहुत पहले से शुरू की. उससे पहले एक वीडियो है जिसमें एक स्टार्टिंग में पहाड़ आता है जहाँ से 300 फीट का फॉल हुआ था. लद्दाख में एक माउंटेन है स्टोक कांगरी, वह क्लाइम करते करते मैं 300 फीट नीचे गिर गया था. और ये सब चीज़ें मैंने अपने घर पे कभी नहीं बताई, नहीं तो मुझे कभी भी पहाड़ पे नहीं चढ़ने देते, क्योंकि पहाड़ सिर्फ आपका ताकत का कारण नहीं है कि आप में ताकत है तो आप चढ़ जाएंगे. उसके लिए वो सब लगता है जो दृश्य और अदृश्य है, जिसमें ईश्वर भी है. वाह वाह वाह. तो वो 300 फीट का जो फॉल हुआ था, उसके बाद मेरी साथ की जो टीम ने सोचा नहीं था कि मैं दोबारा चढ़ूंगा, मैं अब नीचे से फिर ऊपर चढ़ूंगा, बट मैं फिर चढ़ा. तब मुझे थोड़ी सी इंजरी हुई, मैं तब भी चढ़ा, क्योंकि मैं बीच में आधा अधूरा कभी किसी चीज को छोड़ता नहीं हूं, ये मेरी आदत है. वाह. तो मैंने पिताजी को बोला कि मुझे क्लाइम करना है माउंट एवरेस्ट. तो उन्होंने मुझे बोला कि बिल्कुल आप कर पाएंगे, करेंगे. पंजाबी में हम बोलते हैं, पंजाबी, क्योंकि हमारे घर पे पंजाबी बोली जाती है, तो पंजाबी में मुझे बोलते हैं कि तू कर लेगा, मतलब यू विल डू इट. और उसके बाद 2014 में सब ट्रेनिंग करने के बाद 2015 में आई लॉस्ट माई फादर ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट. इट वॉज बहुत सडन था, और विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में मैंने उनको खो दिया. जिस दिन उनका देहांत हुआ, उस दिन मुझे फोन आया था मेरे एक दोस्त का जो मेरे साथ गया था पहली बार, कि हमारा एक्सपीडिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है और प्राइम मिनिस्टर हैज कॉल्ड अस फॉर टी ऑन 27th of March. तो मेरे सामने एक तरफ ये था और एक तरफ ये सब चीजें, और एक तरफ पिताजी का स्वप्न था जो मैंने उनको बोला था. तो उसके बाद ये सब मैंने अपने घर पे ये सोचा कि मुझे अपने पिताजी की याद में ये करना है. आई विल डू इट इन हिज मेमोरी. आई विल क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन हिज मेमोरी. तो मैं माउंट एवरेस्ट पे गया. एक महीना वहाँ पर एक्सपीडिशन में जाते जाते, आप सबको मालूम है कि 25 अप्रैल को नेपाल में भूकंप आया था, 25 अप्रैल 2015 में जब वो भूकंप आया था, तो मैं एवरेस्ट पे था, आप देखे होंगे, जिसके कारण मैं 17,500 फीट पे था, जिसके कारण सारे आसपास के पहाड़ भूकंप से इतने ज़्यादा उनको प्रभाव हुआ कि वहाँ की सारी जो हजारों टन लाखों टन
बर्फ जिसे अवलांच बोलते हैं वो हमारी तरफ आया, जिसमें एक मिनट के अंदर मेरे 18 मित्र की जान चले गई। उसमें मैं खुद बर्फ में दब गया क्योंकि इतनी हजारों टन बर्फ आई, बट मैंने जब बोला अदृश्य ईश्वर आपके साथ होता है तो आप बच निकलते हैं, तो मैं बच गया। इंजरी हुआ मुझे बट मेरी जान नहीं गई। वो 2-3 दिन अपने दोस्तों की बॉडीज को ढूंढना, उनको वापस पैक करना बैग्स में, और उसके बाद वो सब होने के बाद वापस काठमांडू आना, तो तब मैंने एक प्रण लिया था, एक शपथ ली थी कि नाउ एवरीथिंग इज पर्सनल, नाउ व्हाट एवर हैपेंस, कुछ भी हो, माउंट एवरेस्ट का कद नहीं बढ़ सकता, अब मुझे अपना कद बढ़ाना है। वाह, wow. 2016 में अगले साल मैं फिर माउंट एवरेस्ट गया, और इस बार मैं चाइना साइड से गया, जो चाइना साइड ऑपोजिट साइड है, नॉर्थ साइड ऑफ एवरेस्ट बोलते हैं। और 2 महीने की मुहिम के बाद 20 मई 2016 को सुबह 5:30 पे मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचा, और तब अपने पिताजी की फोटो, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे साथ थे तब हमेशा, और उनका सपना था इसलिए उनके साथ, दैट वाज द ओनली पिक्चर जो विच आई क्लिक्ड। वाह, खरं तर एवढ्या उंचीचं यश प्राप्त केलेल्या माणसाला अजून आपण काय विचारणार। तर मी तुमच्या सगळ्यांच्या वतीने सर मी रिक्वेस्ट करतो तुम्हाला, तुम्ही वेगवेगळ्या टॉपिक्सवर आम्हाला एनलाइटन करा, लीडरशिप, मोटिवेशन, रिस्क टेकिंग, लॉस, क्योंकि इतने सब हर्डल्स के बावजूद आपने ये उम्मीदें कैसी टिकाई थी, हम ये सोच के थोड़ा हैरान हो जाते हैं। देखिए, पहले मेरे पास कुलकर्णी साहब से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने उनको बोला था कि मैं जनरली किसी भी इवेंट्स में कम जाता हूँ क्योंकि मुझे ज्ञान बांटना अच्छा नहीं लगता है, मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं आपसे, जो मैंने खुद भुगता है, खुद देखा है, और वहाँ से जो मैंने सीखा है वो हर वर्ग के लिए, चाहे वो MPSC UPSC के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हों, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हों। कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, उसमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो है स्वप्न। मी पुलिस ऑफिसर आहेत आणि मी तुम्हाला हे सांगू शकतो की लहान स्वप्न पाहणं हे एक मोठा अपराध आहेत, आणि IPC कायद्यामध्ये ह्याची सजा नाहीत, पण तुमच्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये खूप मोठी सजा आहे तुमच्यावर। तुम्ही लहान स्वप्न कधी पाहू नये हे माझी तुम्हाला, हे जे यंग लोक आहेत हे सगळ्यांना माझी एक विनंती आहे। एक हिंदी में 2 लाइन्स हैं, इट्स वेरी पॉपुलर, ते मनत आयत की मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जिनके सपनों में जान होती है उनको ही मंजिलें मिलती हैं, वो चाहे UPSC हो, MPSC हो, आर्ट हो, म्यूजिक हो, बिजनेस हो, संघर्ष। 2 आपल्या जीवनमध्ये आपण संघर्ष म्हणत आहे, संघर्ष काय आहे ते संघर्ष, व्हॉट इज
व्हाट इज संघर्ष? मेरा ऐसा मानना है जो आपको जिस रास्ते पे चलने में आपके पांव थरथराएं, आपके हाथ कांपें, आपको अकेला लगे, वो रास्ता संघर्ष है और उस रास्ते पे जो चलेगा वो सक्सेसफुल होगा। वाह। एक बहुत रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबने नाम सुना है, बहुत अलग अलग ओकेजन्स पे उनका दो लाइंस बोले भी जाते हैं कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वाह वाह, बट आई हैव टू गो माइल्स एंड माइल्स बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स एंड माइल्स बिफोर आई स्लीप। हे जे लाइन आहेत हे आपण सगळ्यांसाठी आहेत, द वुड्स आर लवली, मी इथे आहेत, खूप चांगलं वातावरण आहेत, काही प्रॉब्लेम नाहीत, सांगलीमध्ये कोल्हापूरमध्ये सगळ्या गोष्टी आहेत, काही प्रॉब्लेम नाहीत, लाईफ एकदम सेट आहेत आपण म्हणतात, पण हे लाईफच्या उद्देश्य लाईफ सेट करणार आहेत की हे प्रश्न आहेत। मैं ये बोलना चाहूंगा की अंटिल युअर पायर इज नॉट ऑन फायर युअर बेली शुड बी ऑन फायर। जब तक आपके शरीर पे आग नहीं लगती आपके जमीन आपके अंदर आग होनी चाहिए। टिल योर पायर इज नॉट ऑन फायर योर बैली हैज टू बी ऑन फायर, दैट इज द मंत्रा ऑफ सक्सेस। अपन कम्फर्ट जोन म्हणतात, मी पंजाब तून आलेला आहेत आणि मी तुम्हाला सांगतो की पंजाबमध्ये लोकांमध्ये पैशाची काही प्रॉब्लेम नाहीत नॉर्मली, आणि ते एक मोठा प्रॉब्लेम आहेत की लोकांना पैशाची काही प्रॉब्लेम नाहीत, हे मोठा प्रॉब्लेम आहेत। कम्फर्ट झोन इज अ ड्रग, कम्फर्ट झोन एक नशा है और उस नशे से आप सबको, चाहे वो एमपीएससी के एस्पिरेंट्स हों यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हों, उससे बचना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा नशा है कि वो सिर्फ आपको ही नहीं पता कि आप नशे में हैं, क्योंकि आप कभी उससे बाहर नहीं आ पाते। आपको हर तरीके का कारण मिल जाता है वहां पर मरने मिटने के लिए, क्योंकि आपको बाहर आने में डर लगता है। नेवर नेवर कम टू योर कंफर्ट जोन, अपने इस कंफर्ट जोन का गुलाम मत होइएगा, चाहे आप किसी भी वर्ग के हों किसी भी एज ग्रुप के हों। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। वाह सर, आईपीएस का सपना देखा, फिर एवरेस्ट का सपना देखा, हमको और एक क्यूरियोसिटी है कि पुलिस की सर्विस में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब आम पब्लिक आपसे जुड़ जाती है, तुमच्यावर प्रेम करायला लागतात। जनरली पिक्चरमध्ये दाखवतात ती इमेज वेगळी असते, तुमच्यावर टीका खूप लोक करत असतात, पण तुम्हाला तुमच्या वर्दीचा अभिमान असा वाटतो, असे काही क्षण तुम्ही आमच्याशी शेअर करू शकाल का, की ज्यावेळेला एखाद्या माणसाने येऊन तुम्हाला दुवा दिली की तुम्ही एवढं बहारदार काम केलं? हे काही क्षण नाहीत, मला जे वर्दीचा अभिमान 24/7 आहेत, हे काही एक मिनिट दोन मिनिट नाही, ते 24/7 आहे। वा वा। आणि तुम्हाला हे पण मी सांगतो की 7 वर्षापूर्वी माझ्या मी आयपीएस नव्हतो, मी एक सामान्य सिव्हिलियन म्हणून आपल्या दिल्लीमध्ये पंजाबमध्ये काम करत होतो आणि मला कधी माहिती नव्हती की पोलीस करत काय आहेत, म्हणजे पोलीसच्या काम काय आहेत हे पण मला काही माहिती नव्हती। आणि काही प्रॉब्लेम आली आले पोलीस चांगली नाहीत आणि आज 7 वर्षानंतर SP सांगली ॲडिशनल SP कोल्हापूर हे सगळे कारभार केल्यानंतर मुझे असं लगतं की किसी ना किसी को तो हमें ब्लेम करना ही है। तो पुलिस इज आर नेशनल पंचिंग बैग, इफ इट मेक्स यू हैप्पी इट्स ओके, इफ दैट इज अ कथारसिस, उसको बोल के आपको लगता है कि सब ठीक है आपकी जिंदगी में तो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहां तक पुलिसिंग की बात है, मैं आपको बता सकता हूं
कि दिन रात लोग काम करते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं, और सबसे खूबसूरत बात है कि जो चीज़ें कभी अवॉइड, जो चीज़ें होती नहीं हैं क्योंकि किसी ने अच्छा काम किया है, वो कभी न्यूज़पेपर का पार्ट हमेशा वो बनता है जो होता है, कभी वो नहीं बनेगा जो अवॉइड हो गया, जो हुआ नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, चाहे वो कांस्टेबल हों, चाहे वो आईपीएस हों, और उनके बीच के सभी लोग, 99% लोग अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और वो करते रहेंगे, चाहे हम पंचिंग बैग रहें या चाहे हम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहें, क्योंकि ये जिम्मेदारी तुम्ही वर्दीचा सांगत आहेत, वर्दी घातल्यानंतर सगळा कुछ वर्दी होता है, तुमचा खून लहू पण वर्दी होता है, एक खाकी होता है, हे तुम्हाला सांगू शकतो। तुम इतका तुमच्या मध्ये एक प्रचंड जोश, लोकांसाठी सेवा करण्याची इच्छा, हे सगळं जागृत होत आहेत। आणि काही वाईट लोक पण आहेत, आणि हे सगळे ठिकाणी आहेत, हे काही फक्त एक डिपार्टमेंटमध्ये नाहीत, हे सगळे ठिकाणी असतात, बिझनेसमध्ये असतात, पोलीसमध्ये असतात, जर्नलिझममध्ये असतात, लॉ ज्युडिशरीमध्ये असतात, सगळे ठिकाणी असतात, हे लोकांचा स्वभाव आहेत। पण 99% लोक हे चांगल्या काम करण्याचे इच्छुक आहेत आणि पब्लिकसाठी तत्पर आहेत। वा, सरांचा सोहेलजींचा हाच ॲप्रोच आहे, हा ॲटिट्यूड आहे, कामाची तडफ आहे, त्यामुळे मला एक गोष्ट आवर्जून सांगावीशी वाटते की आय पी एस करिअरमध्ये जे अवॉर्ड मिळायला 10 ते 15 वर्ष लागतात, ते त्यांना त्यांच्या करिअरच्या 4 वर्षामध्ये डी जी इन्सिग्निया विशेष पुरस्कारांनी गौरवलेलं आहे। सर, तुम्ही ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्समध्ये आवड आहे, साहित्यामध्ये आवड आहे, आम्हाला कळलं की तुम्ही कवितासुद्धा खूप वाचता सुंदर, विशेषतः पंजाबी कविता, तर आमच्यासाठी कधी कविता सादर कराल का प्लीज? ॲक्च्युली हे जे मी पंजाबी लिटरेचरमध्ये मी जे कवी आहेत, ज्यांना आपण साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड, यंगेस्ट साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड मिळाला आहेत, किंवा आपल्या इथे सुरजीत पात्र, हे सगळे खूप चांगले पंजाबी आहेत। पण मी तुम्हाला बुल्ले शाहच्या माहिती होणार, कोक स्टुडिओ सगळ्यांना बघितला आहेत ना? वा वा, ते बुल्ले शाहची एक काफी आपण म्हणतात, ते आपण कवितानी काफी म्हणतात, ते पंजाबीमध्ये आहे, ते नंतर मी ट्रान्सलेशन करणार। की बुल्ले शाह बोलते हैं, ਪੱਜ ਪੱਜ ਵੜਦਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ, ਕਦੀ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਮੁੜ ਸਪਨੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਮਲਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਹੀਰੇ। ਇਟ ਗੋਜ਼ ਕਿ ਪੱਜ ਪੱਜ ਵੜਦਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ, ਯੂ ਰਨ ਟੂਵਰਡਸ ਟੈਂਪਲਸ ਐਂਡ ਮੋਸਕਸ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਰੈਨ ਟੂਵਰਡਸ ਯੋਰ ਸੈਲਫ। आप मंदिर की तरफ भागते हैं, मस्जिद की तरफ भागते हैं, बट अपने दिल की तरफ कभी नहीं भागते। यू नेवर रन टूवर्ड्स योर सेल्फ। लड़ना है रोज शैतान दे नाल, आप रोज शैतान से लड़ते हैं, कभी बोलते हैं ये अच्छा नहीं है उससे लड़ते हैं, कभी बोलते हैं वो अच्छा नहीं है उससे लड़ते हैं, बट यू नेवर फाइट विद योर सेल्फ। तुम्हें आपलेला कभी संघर्ष करत नहीं। आणि ह्या जे पुढच्या विषयाच्यामध्ये ते सांगत आहेत की हे जे अल्टिमेट संघर्ष आहेत आपल्या जीवनाच्या, हे अल्टिमेट कॉम्पिटिशन आहेत, ते आपल्या कॉम्पिटिशन आपल्या मनासोबत आहेत, त्याच्या तुम्हाला आणि तुमच्या मनाच्या जे संघर्ष आहेत ते आहेत नंबर एक कॉम्पिटिशन। जर तुम्ही ते जिंकल्या, काही कॉम्पिटिशनमध्ये राहणार नाहीत, तुम्ही पूर्ण विश्व जिंकू शकतो। मला रायकर सरांची परमिशन घेतो, आज आपण इंटरॅक्टिव जरा जास्त करू,
ऑडियन्समध्ये माईक तुम्ही द्या, विचारू दे, लोकांना खूप उत्सुकता असणार आहे. हा नमस्कार सर. सर मायसेल्फ वर्धन. दादा थोडं मोठ्यांदा बोला, तुमचं नाव सांगा. हा नमस्कार सर. मायसेल्फ वर्धन. आय एम इम्प्रेस फॉर युअर ऑल दिस जर्नी ऑफ युअर लाईफ सर. माय क्वेश्चन इज टू यू की मैंने बहुत से देखा है कि लीडर कैसा होना चाहिए, तो मैं एग्री हूँ इस बात पे कि आप जैसा लीडर हो तो 100% टीम आगे जाएगी ही जाएगी. लेकिन जब मैं पुलिस की बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लीडर, अगर समझ लीजिए किसी भी चोर को पकड़ना हो तो पहले लीडर नहीं जा सकता, उनकी टीम जानी पड़ती है. तो आप अभी जो मतलब पुलिस के लोग हैं उनका पेट आया है, वो भाग नहीं सकते वगैरह वगैरह जो है. अभी आपने जैसा बोला कि जो लीडर है वो 100% है, क्योंकि आईपीएस की ट्रेनिंग जब ली जाती है तो इट्स यू आर द बेस्ट. तो आप इस टीम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? लीडर, नेतृत्व, व्हाट इज अ लीडर? लीडर इज द वन हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु शोज द वे. आणि आपण पोलिसांबद्दल तुम्ही जे सांगत आहेत, लीडरशिपच्या तुम्ही सांगत आहेत, हे फिट नाहीत आणि तुम्ही प्रॉब्लेम जे लीडर पुढे जाऊ शकत नाहीत असं नाहीत. आय बिलीव इन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. नंबर दोनची लीडरशिप मला माहिती नाहीत. You have to be responsible for anything and everything. तुमची जिम्मेदारी हर हे विषयाची आहे जे विषय तुमच्या खालच्या अधिकाऱ्यांच्या वर तुम्ही दिलेला आहेत. आणि लीडरशिप का, नेतृत्व का? आय गिव्ह यू अ स्मॉल एक्झाम्पल. हे सोचने की बात आहे आप सबके लिए. हमारे देश की लोकसंख्या है 125 करोड़, अभी 130 करोड़ टच कर रही है. 125 कोटी ची लोकसंख्या आहेत. आणि आपले भारताची जे एक वर्षाची लोकसंख्याची वाढ आहे ते ऑस्ट्रेलियापेक्षा जास्त आहेत, माहिती आहेत ना? ऑस्ट्रेलियाची पूर्ण लोकसंख्याच्या कंपॅरिझनमध्ये आपले भारताची एक वर्षाची वाढ पॉप्युलेशनची ते जास्त आहेत. अपन मनता कि लीडर्स आर बॉर्न. अगर ऐसा होता तो हमारे भारत में तो लीडर ही लीडर होते. प्रश्न ये है कि आर लीडर्स बॉर्न और दे आर मेड? एंड द आंसर इज इन बिटवीन बोथ ऑफ देम. तुम्ही लीडरशिप बद्दल अपन अगर सांगू, आपल्या इथे रोड्सची शॉर्टेज आहेत, इन्फ्रास्ट्रक्चरची शॉर्टेज आहेत, फूडची शॉर्टेज आहेत काही एरियामध्ये. हे शॉर्टेज आहेत कारण लीडरशिपची पण शॉर्टेज आहेत, त्यामुळे हे शॉर्टेज आहेत. आणि लीडरशिपसाठी एक चांगला इन्स्पिरेशन, एक चांगला ऑर्गनायझेशन जे इन्स्पायर्ड लीडरशिप क्रिएट करू शकतो हे खूप गरजेचे आहेत. आणि माझ्या म्हणणं आहेत की आपण आज ऊर्जामध्ये आहेत, ऊर्जाचा जे इव्हेंट आहेत हे अशासाठी आहेत. तुम्ही हे जे मी सांगत आहेत की कोणी स्पीकर सांगत आहेत हे सगळे चांगलं आहेत, पण तुमच्या आपल्या आयुष्यावर हे किती प्रभाव टाकू शकतो हे तुम्हाला स्वतःला बघणार. हम सब लोग अलग अलग परिस्थितियों से बड़े हुए हैं, अलग अलग माहौल से बड़े हुए हैं, अलग अलग एजुकेशन, अलग अलग संस्कारों से बड़े हुए हैं. हम सबको एक सिंपल प्रिंसिपल हर किसी पे वैलिड नहीं है लीडरशिप का, बट ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि लीडरशिप इज ऑलवेज कम्स फ्रॉम आइडियाज. आप जब जो लीडर होगा वो हमेशा फ्रंट रहेगा, जो बॉस होगा वो पीछे रहेगा. एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बॉस एंड अ लीडर. अ बॉस कैनॉट बी अ लीडर, अ लीडर विल ऑलवेज बी अ बॉस. यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात
बताना चाहूंगा बिकॉज लीडरशिपचा विषय आहे. लीडरशिप बद्दल मी तुम्हाला सांगतो, एक एक्झाम्पल पण देतो. आपण येस येस बॉसच्या कन्सेप्ट आहेत, येस मॅन सगळ्यांना आवडतात, येस मॅन सगळ्यांना आवडतो. म्हणजे तुम्ही, मी बॉस आहे, तुम्ही माझे खालचे अधिकारी, येस मॅन येस मॅन. मी जो कोणी सांगेल जी साहेब, हां साहेब, हो साहेब, आहेत ना आपल्याकडे. हे खूप मोठी प्रॉब्लेम आहेत. हो साहेब आणि जी साहेब हे बिमारी आहेत. और जिस आदमी को, जो समझदार है और जो इस चीज बीमारी से बच सकता है, वो आगे जाएगा. मैं बताता हूं कैसे. हमारे यहां पर हमें क्या लगता है, हम सीनियर हैं तो सारा जूनियर को हर बात पे हमें हो साहिब नहीं. इट इज ऑलवेज गुड टू डिस्कस, ऑलवेज गुड टू कॉन्ट्राडिक्ट, ऑलवेज गुड टू से दैट साहिब माझ्या माहितीप्रमाणे, माझ्या इच्छाप्रमाणे, माझ्या जे एक्सपिरियन्सप्रमाणे हे होऊ शकत नाही, हे होणार. तुम्हाला हे माहिती आहेत, 1971 वॉर होती, 1971 इंडिया पाकिस्तान, हे बांगलादेश. आपले जर्नल होते माणेकशॉ, सॅम माणेकशॉ. आणि मार्चमध्ये, मार्च 1971 जब पाकिस्तान में इलेक्शन्स हुए तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे. तो मुजीबुर रहमान नाम अगर किसी ने सुना हो तो वहां पर वो सबसे ज्यादा वोट जीते थे. तो उनको प्रधानमंत्री होना था. तो बांग्लादेश में जियाउल हक ने उनको बनाया नहीं, तो बांग्लादेश में सिविल वॉर शुरू हो गया. तो मुजीबुर रहमान की सपोर्ट में सैम माणेकशॉ को बुलाया गया था इंदिरा गांधी ने. प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ को बुलाया कि हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, वी शुड डिक्लेयर वॉर इन बांग्लादेश इन सपोर्ट ऑफ दीज पीपल. एक नॉर्मल कोई होता बोलता, हाँ प्रधानमंत्री बोल रहा कर देंगे. यू नो वॉट ही डिड, ही सेड नो आई विल नॉट डू इट. ही रिफ्यूज्ड कि मी हे करणार नाही. तुम्ही पंतप्रधान आहेत, मान्य आहेत, पण हे मी करू शकत नाही. कारण हे चुकीचा डिसिजन आहेत. कारण हे होता की बांग्लादेश जे आहेत हे गंगाची ट्रिब्युटरीज आणि डिस्ट्रीब्युटरीज आहेत इथे. आणि एप्रिलमध्ये मान्सून, एप्रिल जूनमध्ये मान्सून येत आहेत ना, आणि पूर्ण फ्लडेड आहेत बांगलादेश. पूर्ण बांगलादेश फ्लडेड होण्याच्या नंतर तुम्ही आर्मी मूव करू शकत नाहीत. आणि ह्याच्यानंतर 4th of December द इंडियन आर्मी एंटर्ड बांग्लादेश ऑन 4th of December एंड वॉज एबल टू विन बांग्लादेश इन 12 days. मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं आपके विषय से थोड़ा आगे, कि नेवर फाइंड येस मैन. ये जी साहिब चे लोग का तुम्ही हे उनको दूर रखिए. अगर जिंदगी में आगे जाना है तो थोड़े दिन लगेंगे आपको, आपकी अफसरी में तकलीफ होगी, बट आप आगे जाएंगे उससे. और दैट इज रियल लीडर. थँक यू सर, थँक यू व्हेरी मच. प्रातिनिधिक अजून दोन प्रश्न आपण घेऊ, ठीक आहे ना सर? किती वेळ आहे आपल्याकडे? ठीक आहे, घ्या. रिस्पेक्टेबल सोहेल शर्मा साहब, मैं एक गरीब किसान के घर में जब पैदा हुआ और अभी मेरी उम्र 70 साल है, आज तक मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ. मैं आर्मी में 77 में भर्ती हो चुका था और मैं आर्मी में पंजाब में 71 के युद्ध में आपके भटिंडा और फरीदकोट में, और वहाँ मैं वहाँ काम किया हूँ और आपको, आपके गांव को भी मैं जानता हूँ. मैं आपके अंदर जो भगवान ईश्वर की शक्ति है, जो भगवान श्री कृष्ण इंसान में कैसे दिखाई देते थे, और जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जो अर्जुन थे, मैं आपको 4 साल से अर्जुन के रूप में देख रहा हूँ. अर्जुन क्या थे और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया, और उस अर्जुन का जो कर्तव्य है वो आपने किस प्रकार निभाया. मैंने आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया. मैं आपके साथ कम से कम 4 घंटे इकट्ठे हम दोनों थे, आपके साथ में था, लेकिन कभी आपको डिस्टर्ब करने. आप वही हैं ना जब मैं कोल्हापुर पहली बार आया था और मैं पैदल घूम रहा था और मैंने आपको बोला था मुझे शहर घुमाइए. जी हाँ, वही रिक्शा. वही है ना. वाह वाह वाह, क्या बात है.
सर तुम्ही एक मिनिट वर या दादा, वर या, वर या तुम्ही, वर या, माईक माईक घेऊन या. वा वा वा. आपका काम देखता हूं. आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो पहला दिन था कोल्हापुर में मेरा 20 जून 2016, तो जैसे मुझे रनिंग की आदत है तो मैं गेस्ट हाउस से निकला और मुझे कोल्हापुर का कुछ नहीं पता था, तो मैं रनिंग करके करके पता नहीं कहां पहुंच गया मुझे, और अब मुझे मालूम नहीं है वापस कैसे जाना है. तो एक आई वॉज इन शॉर्ट्स, तो हम घूम रहे थे, एक ये रुके, कितनी पुरानी बात है, 4 साल हो गए, तो मैंने इनके साथ पूरा शहर घूमा, इनको मैंने कुछ नहीं बताया कि इनको बोला मैं शहर ये घूमने आया हूँ, ये आर्मी से थे तो मैंने बताया मैं पंजाब से हूँ, बट आज मुझे नहीं पता था कि इस जगह पे इनको मिलूंगा और आई फेल्ट रियली गुड. बहुत बहुत धन्यवाद. वाह वाह वाह. हम मिलेंगे, अभी भी मिलेंगे इसके बाद, ठीक है. थैंक यू. थैंक यू दादा. नमस्कार सर, इथं बऱ्यापैकी युवा वर्ग उपस्थित आहे आणि बरीच मुलं ही आवाज येत नाही बाळा, माईक थोडा जवळ जर. बऱ्यापैकी मुलं युवा पिढी ही UPSC आणि MPSCचा अभ्यास करणारे आहेत आणि त्यांना तुम्ही म्हणजे तुम्ही जसं UPSCची तयारी जशी कशी केला, तुमचा अप्रोच काय होता, तुमचा विचार, तुमची थिंकिंग काय होती, थोडी मग त्याबद्दल माहिती समजा एवढी. आपका नाम क्या है? अजित लाड. अजीत. यस अजीत, मैं पहले 2 लाइन आपको बोलूंगा, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा. एक उर्दू में एक 2 लाइन है, वो कहते हैं कि गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. ओहो वाह वाह. इसका मतलब गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में, जो आदमी घोड़े पे चढ़ेगा वही गिरेगा, घुटनों के पे चलने वाले कभी नहीं गिरते, और जो घुटनों पे चलते हैं वो कहीं पहुंचते भी नहीं है. तो UPSC और MPSC, इट्स अ जर्नी ऑफ फेल्योर. आई एम सो सॉरी, आई एम यूजिंग द वर्ड, इट्स अ जर्नी ऑफ फेल्योर. And the failures are the pillars to success. Yes. जिस आदमी को हारना नहीं आता वो आदमी कभी जीत नहीं सकता. मैं खुद हारा हूं, बहुत बार हारा हूं. IPS ज्वाइन करने में भी एक दिन में कुछ नहीं होता है. माउंट एवरेस्ट मैं मानता हूं मेरी जिंदगी में कि ये जितने भी आपके गोल रहते हैं उसके लिए मैं कोई गाइड नहीं बताऊंगा आपको कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो, नहीं, ये सब आप कर लेंगे. आप लोगों में उतनी शक्ति उतनी ताकत है, बट मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नेवर गेट डिसअपॉइंटेड विद फेल्योर्स, क्योंकि वो आएंगे ही आएंगे. इट इज अ लिटमस टेस्ट ऑफ सक्सेस. जीतने के लिए आपको हारना पड़ेगा. जो आदमी हारने की ताकत रखता है, UPSC MPSC तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. बहुत जिंदगी अपनी और बहुत लड़ाइयां लड़नी है. इसलिए नेवर कम, पहले जो मैंने बोला संघर्ष अब किसी दोस्त के साथ मत करिएगा, ये अंग्रेजी तेची चांगली आहेत, हे मोठी किताब वाचत आहेत, मला माझ्याकडे हे नाही, माझ्याकडे लायब्ररीची सुविधा नाही, हे तुम्ही करू नका. कम्पीट विथ युअर सेल्फ. आणि नंबर 2 जे मी सांगितलं आहेत, हारना सीखो. हारे बिना आदमी जीत नाही सकता, और उसके बाद आप एक बार वो सीख लेंगे आप कभी हारेंगे ही नहीं. यू विल नेवर लूज. थैंक यू सर. वाह. एक लास्ट
आणि मग आपण थांबू. ठीक आहे, कोणी आहे? थँक्यू फॉर युअर इन्स्पिरेशन सर. थँक्यू फॉर युअर इन्स्पिरेशन सर. सर, मैं यू पी एस सी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो हर दूसरे दिन मोटिवेशन की कुछ कमी लगती है, तो आपने वो मोटिवेशन कहाँ से लाया और हम कहाँ से ला सकते? ये मैंने वॉलमार्ट से लिया था. आप भी ले सकते हैं. क्या आपके पास कोई ऑनलाइन एजेंसी है क्या? इतने सब लोगों को बांट दीजिए सर मोटिवेशन. कामत साहब ने फ्रेंचाइजी लेने का प्लान किया है मोटिवेशन का. नहीं सर, हर दूसरे दिन स्टडी करते वक्त थोड़ा लो फील होता है. मे नो योर नेम प्लीज. नैना नेसरीकर. नैना नेसरीकर. ओके. सबसे पहले आजकल ना बहुत टॉक्स चलती है, मोटिवेशनल टॉक्स, मोटिवेशनल गुरु, मोरल बूस्टर. मेरा उसमें कोई विश्वास नहीं है. आई एम सो सॉरी टू से यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टाइम्स एंड क्राइम्स. आपले आयुष्यामध्ये तुम्ही रिस्पॉन्सिबल आहेत आपल्या ॲक्शनचे, आपल्या इनॲक्शनचे, आपल्या ॲक्ट ऑफ कमिशनचे, आपल्या ॲक्ट ऑफ ऑमिशनचे. आणि मोटिवेशन कहां से आएगा? आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. आपने बेयर ग्रिल्स का फोटो देखा था? जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बेयर ग्रिल्स का मालूम है कौन है? मैन वर्सेस वाइल्ड. फोटो बघितला होता ना मैन वर्सेस वाइल्ड चा? ते तुम्हाला मी सांगतो की मोटिवेशन कुठून आऊ शकत आहेत. हे मी मुंबईला होतो, मीटिंगसाठी गेलो होतो आणि हे किताब जे की आहेत मी घेतलेली होती आणि मी वाचत होतो. मॉन्डिगेर कॅफे आहेत मुंबईला, तिथे मी बसू शकतो आणि मी वाचत होतो. आणि 2 दिन में मैंने वो किताब पढ़ा और उसमें उस आदमी ने मुझे मोटिवेट कैसे किया मैं आपको बताता हूँ. 22nd ईयर्स की एज में जब वो आर्मी में काम करता था तो वो पैराट्रूपर था जो हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते हैं, और वहाँ से वो गिर गया और उसका पैराशूट खुला नहीं और वो सीधा आके रेत पे गिर गया. 2 दिन उसको किसी ने पूछा नहीं बिकॉज वो हिल नहीं सकता था. उसके बाद 3 साल तक उसका फिजियोथेरेपी हुआ, इलाज हुआ. और आपको पता है जब वो इलाज कर रहा था तो उसने क्या किया था? उसने अपने रूम में माउंट एवरेस्ट का फोटो रखा था और वो हमेशा अपने पिताजी को बोलता था कि मैं अब ये माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूंगा. और ठीक होने के 2 साल बाद ही बिकेम द फर्स्ट ब्रिटिश, द यंगेस्ट ब्रिटिश टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. म्हणजे हे बेडवर आहेत, चालू शकत नाहीत, पण स्वप्न काय आहेत? माउंट एवरेस्ट. आणि मोटिवेशन तुमच्या आतमध्ये आहेत. तुम्हाला आपको इन तरह के इसको जब मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया तो मैंने इसको लिखा कि मैं आपके लिखने से प्रभावित होके किया. एंड देन ही ऑल्सो रिप्लाइड बैक. मेरा जो आपको कहना है कि मोटिवेशन, डू नॉट फाइंड मोटिवेशन इन थिंग्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम यू. तुम्ही चांगल्या किताब वाचा, डेफिनेटली यू विल गेट मोटिवेशन. यू देर आर मोटिवेशन आर एवरीवेयर, कहाँ नहीं है. एक गरीब आदमी जो घर से निकल के मेहनत करता है उसमें भी मोटिवेशन है. हर किसी में मोटिवेशन है. आपको अपना स्रोत ढूंढना है जहां पर आप कनेक्ट कर जाएंगे सब विश्व आपका होगा. यहां पर मैंने 3-4 लाइनें लिखी हैं स्पेशली फॉर ऊर्जा और वो आप पे इट फिट्स ऑन एवरीवन. और ये मैम आपके लिए है स्पेशली. तेज आपकी आंखों में है, ओजस आपकी वाणी में है, शक्ति आपके कपाल में है और ऊर्जा आपके मन में है. वाह,
ये आपको कहीं से नहीं मिलेगा, ये आपको अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा, वॉलमार्ट में भी नहीं। थैंक यू सर। या अच्छा ओके शेवटचा। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज मेघना। I would like to ask you about your journey, the Mountain Everest, your journey of Mountain Everest. I would like to ask you that what was the situation of your mind in that time? How you kept stable to yourself in that time? I was not stable. अभी आपको I will talk, आपको दोस्ती के बारे में कुछ बताता हूँ मैं, और ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेरे अपने साथ बीती घटनाएँ हैं। 27,500 feet above sea level, minus 53 degrees temperature, camp 3 of Mount Everest, Mount Everest cha camp 3 ani ratri cha vel, oxygen shivay tumhi tithe rahu shakat nahi, tumhi 5 minute 10 minute agar oxygen tumhala milali nahi vishay sampla। आणि माझा जे सिलेंडर होता 6:30 के आसपास आय वॉज नॉट एबल टू ब्रीच। मास्क तुम्ही बघितला आहे ना, ते मैं ऑक्सिजन जब सांस ले रहा था तो सांस नहीं आ रही थी। और कितनी ऊंचाई है, 27,500, मतलब पूरे अगर माना जाए तो अगर उस ऊंचाई का माउंटेन होगा तो वो दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा माउंटेन होगा। अभी उसके बाद एवरेस्ट और ऊपर है। तो हमने लास्ट कैंप के लिए जाना था, -53। आपको पता है मैं कैसे सरवाइव किया? मेरी ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। मेरा एक दोस्त है, आपने देखा होगा, हमने उसके सिलेंडर में 15% रह गया था। हमने मास्क बीच में रखे, एक बार सांस वो लेता था एक बार मैं लेता था, और हमने ऐसे 1.5 घंटा काटा। वाह वाह वाह। उसके बाद वी वर एबल टू, उतनी देर में हमने मैसेजेस करके, हमारे पास वो सेट फोन रहता है, सैटेलाइट फोन वगैरह रहता है, तो जो वहां पर आसपास में जो कैंप में था 1.5 घंटे बाद आया। बट इस स्थिति में दोस्ती मैत्री, उसका आपको पता लगता है कि वो क्या होता है। अभी आपका सवाल था एवरेस्ट का मोटिवेशन कैसे आता है, हाँ आपके मन में क्या था, आप स्टेबल थे? आप मुझे बात बताइए, ऑक्सीजन आपके पास है नहीं, 27,500 फीट पे आप पहुंचे हुए हैं, अगर इसके बाद भी मैं स्टेबल हूं तो मैं तो भगवान हूं। So it was journey from unstability to unstability, but not losing focus of your goals. Wow. Wow, wow, wow. आजच्या या सगळा अनुभव सरांनी शेअर केलेत, पार म्हणजे अमृतसर, पंजाब, शिमला, बीटेक, तिथून पुण्याचं महिंद्रा कंपनीतली कॉर्पोरेट जॉब, टाटा इन्स्टिट्यूट सोशल सायन्समध्ये मिळालेली ॲडमिशन, त्यांना US जॉब मिळाला होता H-1B visa, तो नाकारून IPS झाले, ही सगळा प्रवास आपण बघितला। त्याच्यावरनं दोनच ओळी फक्त सांगणार आहे, मग शेवटचं तुम्ही बोला सर, मग आपण कन्क्लूड करू। मला एक शेर आठवला की खुद को कर इतना बुलंद के हर तकदीर से पहिले खुदा तुझसे पूछे बोल तेरी रजा क्या है। या लेवलला तुमचं मॉरल जायला पाहिजे, या बात आहे। जैसे कि मैंने पहले बोला था, मुझे आज यहाँ आने की संधि मिली, आप सबसे संवाद करने का एक अवसर मिला, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, कुछ ही मिनट, कुछ ही घंटे पहले हमारे बहादुर
विंग कमांडर अभिनंदन हमारे देश वापस आ गए उनके लिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा, आप में से कोई अभिनंदन से नहीं मिला, कोई भी नहीं, बट उसका 30-35 सेकंड का जब उसकी आंखें बंद हैं और वो किस तरह बात कर रहा है वो आपको मोटिवेट नहीं करता है? वाह, आपको मोटिवेशन उसने द स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर द स्ट्रेंथ ऑफ वर्च्यूज द पावर ऑफ थॉट्स, उसको पता है कि वो वहां पर है पर उसने क्या डरा? उसने पूछा कि भाई मैं ये बता सकता हूं ये मैं नहीं बताऊंगा? उसने बोला कि आप कौन है मुझे बताइए? ही वॉज नॉट अफ्रेड, ही वॉज भीती ना होती। आणि हे 30-35 सेकंडचा व्हिडिओ हे पूर्ण देशाला मोटिवेट करू शकतो। हे तुम्ही बघा, हे जे माणूसला कधी तुम्ही भेटलो नाही 48 तास पूर्वी तुला माहिती पण ना होता की कोण आहेत, हे तुम्हाला मोटिवेट करू शकतो। म्हणजे आपल्या जीवनाच्या जे स्वप्न आहेत त्या पाहण्यासाठी त्या जीवनासाठी उसको पाने के लिए उसको उसके लिए लड़ने के लिए आपको मोटिवेशन हर जगह है। वो कहते हैं ना कि ये गालिब ने बोला था कि फिर बता दो ऐसी जगह जहां पर खुदा नहीं है। जैसे खुदा हर जगह है, मोटिवेशन हर जगह है, उम्मीद हर जगह है, और ऐसे लोग अभिनंदन जैसे ऑफिसर्स ये हमारे देश का हमारे समाज का ये ओजस हैं जिसके ऊपर हमारा पूरे का पूरा समाज खड़ा है और हम उसके लिए बहुत प्राउड हैं। आज हमें किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है अगर ऐसे लोग हमारे पास हैं। वाह, ठीक है सर। मी कायम म्हणत असतो की आपण वेगवेगळी रोल मॉडेल शोधत असतो, आपण खूप चर्चा करतो मित्राबरोबर कटिंग चहा पिताना की सलमान खान कुठली अंडरपॅन्ट घालतो, ऐश्वर्या आणि अभिषेकच्या मुलीचं नाव काय ठेवणार आहेत, खूप उठाठेवी आपण करतो, पण कशाला लांब जायचं? रोल मॉडेल्स परमेश्वरांनी आपल्या जवळच निर्माण केलेले आहेत, नाहीत? थँक्यू सर, थँक्यू।